अजब तमाशा होगा, सारे जन्नत वाले पुल सरात पार कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे जन्नत के सामने नजर आएगी, लेकिन उसके गेट बंद होंगे। जहन्नम में जब लोग जाएंगे तो उसके ऑटोमेटिक गेट गेट खुलेंगे, ऑटोमेटिक खुलेंगे और उसके अंदर गिरते चले जाएंगे, और जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो गेट बंद, सारे गेट बंद। तो वो कहेंगे ये क्या हो, दरवाजे ही बंद हैं, क्या करें। तो एक तरफ दो चश्मे उबल रहे होंगे, चश्मों से मुराद ये नहीं कि छोटा सा कोई, वो इतने बड़े के सारे जन्नती उससे पानी पिएंगे और एक से वजू करेंगे। जब पानी पिएंगे तो सीने का खोट और पेट का पेशाब पखाना खत्म, और जब वजू करेंगे तो चेहरा साफ सुथरा रोशन खूबसूरत, दाढ़ी गायब। जन्नत में दाढ़ी नहीं, जिन्होंने नहीं रखी उन्होंने रखनी पै जावे, जन्नत इतना पता कोई नहीं, तो जिनकी है उनकी नहीं होगी, इतने ही रख लो चंगे रह जा, सो न होवे तुसी उत्ते वखरे वखरे सारे तो नजर आओ, पता लगे भी ये दाढ़ी मोन टुरे वदन। और कोई पंजाबी भी समझते हो मेरी? अच्छा अच्छा चलो चंगी गल। तो अल्लाह ताला क्या सिफत, आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़बान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, 6 नबियों की क्वालिटीज के साथ हमें हुस्न बख्शेगा। 130 फुट होगा कद, 130 फुट, चूंकि जन्नत की हूर और जन्नत की का जो साइज हो 130 फुट है, तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली जहीर को तो जेब में डाल लेगी, ये अंदर से कहेगा कैम छो कैम छो, वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में ही नहीं आते, अरबी बोल। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते घिसते छोटे रह गए। तो कहेंगे जन्नत में कैसे जाएं, कैसे जाएं? कहेंगे चलो यार बाबा आदम से बात, सबको पता है कि अल्लाह हमारे नबी के सिवा आज दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन वो सब भूल जाएंगे, अल्लाह अपने नबी को हाईलाइट करेगा दरवाजे पर, अपने नबी की शान को बुलंद करके दिखाएगा कि ये है मेरा नबी और ऐसा है मेरा हबीब और ऐसा है मेरा मुस्तफ़ा, इसके ग़ुलाम बन के आओगे तो ऐसी इज्जत पाओगे, अगर इसकी ग़ुलामी को ठुकराओगे तो कुत्ता तुमसे अच्छा होगा, खिंजीर तुमसे अच्छा होगा, नापाक तुमसे अच्छा होगा। तो ये जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम, अब्बा जान दादा जान दरवाज़ा खुलवाएं, वो कहेंगे बच्चों बच्चियों मैंने तुम्हें निकलवाया था, मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, किसी और से बात करो। फिर ये जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के पास सुलेमान दाऊद, और सब कह रहे हैं भाई नहीं भाई भाई हम नहीं खुलवा, भाई हम नहीं खुलवा सकते, भाई हम नहीं खुलवा सकते। ये चलता चलता सारा मजमा आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के पास, या रूह अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप दरवाज़ा खुलवाएं। हर नबी को पता है कि दरवाज़ा आखिरी नबी खुलवाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं बताएगा। जब ये चलते 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 नबियों से होते होते थक थका के ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अब पीछे हमारे नबी बाकी रह गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि देखो मैं भी नहीं खुलवा सकता, लेकिन मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ। कहा जी चलो पता ही दसो, असि तो टोर टोर थक पे हैं, कोई पता ही बता दें। कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा, आज वहीं खुलेगा दरवाज़ा और कोई नहीं खुलवा सकता। तो सारी उम्मती या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खलील अल्लाह, दरवाज़ा खुलवाएं। तो आप कहेंगे आना लहू, मैं खुलवाऊंगा, मैं खुलवाऊंगा। फरमाया अखर साजिदान, फिर मैं सजदा करूंगा, फिर मेरा रब मेरे ऊपर अपनी तारीफ का फैजान करेगा, फिर मैं अल्लाह की वो तारीफ करूंगा जो ना पहले की ना बाद में। तो मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुता इश्फा तुशफा, मेरे महबूब, मेरे हबीब, मेरे रसूल, आप सर उठाइए, मांगिए, मिलेगा।
शफात करें, कबूल होगी। या अल्लाह दरवाजा खोल। आप मेरा अल्लाह कहेगा आप पहल करें, पहले आपका कदम पड़ेगा। तो अब एक एक अब एक तमाशा होगा, जन्नत से एक सवारी आएगी उड़ती हुई हेलीकॉप्टर की तरह और लैंड करेगी जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है। मेरे नबी उस पर ऐसे तशरीफ फरमाओगे, बैठ जाएंगे, उसकी जो लगाम है रस्सी वो ऐसे गिर जाएगी। नीचे गिरने का मतलब है कि अल्लाह के नबी इसको ड्राइव नहीं करेंगे, कोई ड्राइवर आएगा, कोई ड्राइवर आएगा जो इस रस्सी को लेके आगे आगे चलेगा। तो ये एक बड़ा 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 ग्रेट ऑनर है कि मैं नबी की सवारी को पकड़ के चलूं। लिहाजा हर ईमान वाला यूं हो जाएगा, भाई देखो कौन जा रहा है, देखो भाई कौन जा रहा है, किसको बुलाया जाएगा, भाई कौन जाएगा, भाई कौन जाएगा, भाई सब ऐसे ऐसे देख रहे होंगे हैरत में, भाई अब किसका नसीब, कौन भाई कौन भाई कौन भाई। इतने में मेरे अल्लाह की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बुलाओ, ये रस्सी बिलाल को पकड़ो जिसने सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए मार खाई और जबान से अहद 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 के सिवा कोई आवाज ना निकली। आओ मेरे नबी के ड्राइवर बनने के लिए गुलाम चुना गया, सैयद नहीं, कुरैशी नहीं, पठान नहीं, राजपूत नहीं, मेरे रब ने चुना तो गुलाम चुना बिलाल हबशी। आपने फरमाया वो मेरे आगे आगे चलेगा, मैं पीछे चलूंगा, मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर टक 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 नॉक करूंगा। तो अंदर से आवाज आएगी, कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंदर से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह मरहबम बिक, वेलकम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया था मैं खुद उठ के खोलूं, मैं हूं जन्नत का जीएम रिजवान, जन्नत का खाजन, और आज की लैंग्वेज में चेयरमैन, जीएम, डीएम। तो मैं खोल रहा हूं, मैं कभी किसी के लिए नहीं उठा, ना आइंदा उठूंगा। वो दरवाजा खोलेगा और आपने फरमाया मैं एंटर हूंगा और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले एंटर होंगे। तो इस तरह हर हर जब जन्नत में एंटर होंगे तो हर आदमी अपनी सवारी को पहचानता होगा, हालांकि पहली दफा एंटर हो रहा है। इसका सर्वेंट जानेगा ये मेरे आका, इसका ये जानेगा ये मेरी सवारी, ये मेरा नौकर। और ईमान वाली औरतों को, ईमान वाली औरतों को खामिदों से पहले जन्नत के महल में पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो जन्नत के हुस्न व जमाल के साथ अपने खामिद का इस्तकबाल करें। अल्लाह ने जन्नत, यहाँ की औरत, यहाँ के मर्द, हम सब मिट्टी से बने हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की औरत को मिट्टी से नहीं बनाया, मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर से बनाया। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों की, मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैंपर बांधती है, फिर वो रुड़ती रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैंपर पोनियाँ हमारे लिए हैं। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। एक आदमी कहने लगा अल्लाह जन्नत के, अल्लाह हूरों का लालच क्यों देता है? मैंने कहा जिना को रोकने के लिए, कि इंसान ऐसा हरीस है कि शादी करके भी जिना नहीं छोड़ता है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें खूबसूरत पाक जिंदगी सिखानी है कि इस दामन पे गंदगी का छींटा मत लगने दो, लग जाए तो तौबा करो तो सब धुल जाता है, सब पाक हो जाता है, सब साफ हो जाता है, शिर्क माफ हो जाता है, तो बाकी गुनाह तो उससे छोटे हैं। मुआशरे को पाकीज़ा बनाने के लिए, साफ सुथरा, और नस्ल की हिफाजत के लिए, औरत के नामूस और इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि इन बुराइयों को छोड़, तेरे लिए अल्लाह खुद लेके बैठा है जन्नत की शराब। यहाँ शराब को हराम किया, का तो आ जा, अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़त लिश्शारिबीन। और जन्नत के दरिया है, नहरें नहीं है, दरिया है। नहर तो उर्दू में छोटे
पानी को कहते हैं, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं, दरिया होंगे और वो ज़मीन के ऊपर चलेंगे। यहाँ का दरिया ज़मीन खोद के चलता है और उसके किनारे होते हैं, जन्नत के दरियाओं के किनारे नहीं हैं, वो खुद पाबंद हो कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। और एक चश्मा है जिसका नाम है तस्नीम, ये जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है। तस्नीम किसे कहते हैं, तस्नीम है सनाम से, ऊंट को देखा उसका ऐसे कुहान होती है ऐसे ऐसे, तो पानी की मौजें भी जब उठती हैं तो यूं यूं उठते हैं, यूं यूं ऐसे, तो इस सनाम से है तस्नीम। ये चश्मा जमीन पे नहीं चलेगा, जमीन के अंदर नहीं चलेगा, ये हवा में चलेगा, सुभान अल्लाह, ऐसे जा रहा होगा, नीचे भी नहीं गिरेगा, इधर भी नहीं गिरेगा, इधर भी नहीं गिरेगा, हवा में चलेगा और ऐसे ऐसे मौजे मारता हुआ चलेगा, ऐसे ऐसे मौजे मारता हुआ चलेगा। जब तमन्ना करेगा जन्नती तो एक पानी की धार ऐसे उसके ग्लास में आएगी और उसको फिल करके फिर वापस चली जाएगी और एक कतरा जमीन पे नहीं गिरेगा। एक बद्दू कहने लगा, या रसूल अल्लाह जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हैं, सब्ज परों के साथ उड़ेंगे। दूसरा बोला, या रसूल अल्लाह ऊंट हैं? आपने कहा हैं, वो भी सब्ज परों के साथ उड़ेंगे। तीसरा बोला, या रसूल अल्लाह खजूर है? आपने कहा खजूर भी है, पर खजूर का दाना 12 हाथ लंबा होगा, यानी यूं समझो 24 फीट लंबा होगा, 24 फीट खजूर, तुम 130 फुट और खजूर 24 फुट, ठीक ठाक है। मैं बयान कर रहा था, मैंने कहा खजूर 24 फुट होगी और हम 130 फुट होंगे, तो एक अरब नौजवान कहने लगा 130 फुट तो बहुत बुरा लगेगा, तो कैसे, हम तो इसी तरह ठीक हैं। मैंने कहा फ़र्ज़ करो तुम यही 6 फीट 5 फीट जन्नत में चले गए और तुम जन्नत के दरख्त के नीचे से गुजरे, ऊपर से 25 फुट लंबी खजूर तेरे सर पे गिरी, तू किधर जाएगा, तू तो खजूर में ही गायब हो जाएगा पागल। अल्लाह ने तुझे 130 फुट बनाया है ताकि तू 24 फुट वाली खजूर तो खा सके। फिर एक बोला, या रसूल अल्लाह जन्नत में डेजर्ट है? आपने कहा है, लेकिन रेत का नहीं, सैंड का नहीं है, मुश्क अंबर का है। एक बोला, या रसूल अल्लाह जन्नत में म्यूजिक है? मुझे म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। आपने कहा है, लेकिन आवाज आएगी, ऐन अल्लज़ीन कानू युनज़्ज़हून अस्माअ मन अस्वातिल मज़ामीर, पहले अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, वो कहाँ हैं जो डरबन में गाने नहीं सुनते थे, पहले ऐलान होगा वो कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे। तो उस वक्त फिर बड़ा अफसोस होगा, ढोल ढमक के ना ही सुनते थे चंगा ही, तो लोग होंगे यार या अल्लाह हम हैं, अल्लाह कहेंगे आओ बैठो, फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का होगा। 70 साल, 70 मिनट नहीं। जुनैद जमशेद का नाम आप जानते होंगे रहमतुल्लाह अलैह, मुझसे कहने लगा हम जो गाना प्रिपेयर करते हैं वो 3.5 मिनट का, 3.5 मिनट। मैंने कहा 4 मिनट भी नहीं, क्यों का लोग बोर हो जाते हैं, इतना लंबा सुनते नहीं, तो हम 3.5 मिनट का गाना बनाते हैं। मैंने कहा वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा है, और जो जहां बैठा होगा वहां स्टन हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। 70 बरस हूर की, हूर का चेहरा, उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं, जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है और उसके बालों की खुशबू से पूरी जन्नत महक जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में थूक डाल दे, तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ, तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे या उसी के मुंह पे मारोगे? ब्यूटी क्वीन है,
और उसने शहद में हनी में थूक दिया, वही उठा के तुम उसके मुंह पे मारो। और जन्नत की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून पेशाब नहीं, ला यतगवतून पाखाना नहीं, ला यमतखतून कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी, फसाद भी, नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा, चल जैसे तेरा रब हमेशा है अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो अल्लाह ताला ईमान वाली औरतों को पहले पहुंचा देगा और उसके पीछे फिर जन्नत वाले उड़ते 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 अपने अपने मकाम पर उतरेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हूरों से कहेगा सुनाओ इन्हें। जब वो सुनेंगे तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम होगा, वो म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कैसा है, कहेंगे या अल्लाह मजा आ गया। अल्लाह ताला कहेंगे इससे अच्छा सुनाऊं, कहेंगे इससे अच्छा क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे दाऊद, दाऊद अलैहि सलाम की आवाज ऐसी थी जब जबूर पढ़ते थे, जबूर तो पहाड़ ऐसे ऐसे हिलते थे पहाड़। कहेंगे दाऊद आओ डरबन वालों को सुनाओ। अल्लाह था दाऊद अलैहिस्सलाम आकर मेंबर पर बैठेंगे तो जन्नत का म्यूजिक चलेगा और दाऊद की आवाज चलेगी तो जन्नत भी झूम उठेगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे या मैं बारी ताला कमाल हो। अल्लाह फरमाएंगे इससे अच्छा सुनो, कहेंगे इससे अच्छा क्या है। तो अल्लाह फरमाएंगे या मोहम्मद या हबीबी, ए मेरे महबूब आइए आपकी बारी है, बैठिए मेंबर पर, अब मेरे नबी बैठेंगे, आपकी आवाज और जन्नत का साज, पानी भी थम जाएगा, हवा थम जाएगी और सारी जन्नत मस्त हो जाएगी। मेरे रब पूछेंगे हाँ भाई जन्नत वालों कैसा है, वो कहेंगे या अल्लाह वाह वाह चस आ गई। जब जब ज्यादा मजा आया ना तो पंजाबी कहता चस आ गई, तो कहेंगे या अल्लाह मजा आ गया। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो, कहेंगे इससे अच्छा भी है कोई है, तो कहेंगे अल्लाह हाँ लम यबका इल्ला अरहमुर रहीमीन, अब तुम्हारे रब की बारी है, अब तुम्हें अल्लाह सुनाएगा अपना ख्याल। रिजवान कहेगा जी, कहेगा पर्दे हटा, आए 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 अज़ल इज्जत दीदारश, खुसरो चे तमा गुफ्तन, सरदादन जादादन नादीदा रुख यारे। अमीर खुसरो फरमाते हैं या अल्लाह तुझे देखे बगैर तेरे आशिक तेरे ऊपर कुर्बान हो गए, जब देखेंगे तो क्या हाल होगा। तो अल्लाह कहेंगे रिजवान पर्दे हटा, मेरे बंदे आंखों से दीदार करें, कानों से कलाम सुने, तो पर्दे हटेंगे और अल्लाह सामने आएगा मुस्कुराता हुआ और कहेगा मरहबम बिस्सादिकीन, मैं अपने सच्चे बंदों को वेलकम करता हूँ। और फिर मेरा अल्लाह कुरान सुनाए, उसकी लज्जत में गुम हो जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा खुश हो राजी हो, कहेंगे या अल्लाह राजी है। अल्लाह कहेगा फिर एक बड़ी चीज दे दूं जन्नत से भी, कहेंगे या अल्लाह वो क्या है, कहेंगे जाओ मैं राजी हो गया, जाओ मैं राजी हो गया। ये कहेंगे या अल्लाह हम तेरी बंदगी ना कर सके, नमाजें भी ऐसी चूटी मूटी पढ़ते रहे, आज तुझे देख के पता चला है तू तो बड़े हुस्न जमाल वाला है, हमें एक सजदे की इजाजत है, सिर्फ एक सजदा करेंगे एक। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो सजदे दुनिया में थे, तुम मेरे बंदे थे मैं अब मालिक था, तुम गुलाम थे मैं आका था, अब तुम मेरे मेहमान हो और मैं मेजबान हूं और मेहमान से काम नहीं लिया जाता, जाओ खाओ पियो मौज करो।